गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मल्टीप्लेक्सर जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लें कि मल्टीप्लेक्सर है क्या। सबसे पहले उसको पूछो कि व्हाट इज हु आर यू, तो वो बोल रहा है आई एम अ कॉम्बिनेशन सर्किट। ओके, उसके बाद तेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बोलता है भाई मेरे पास मल्टीपल इनपुट है और मैं आउटपुट में सिंगल ही दे रहा हूँ। अब मैं जैसे ही सिंगल बोल रहा हूँ, पूरा स्टूडेंट्स या पूरा क्लास ध्यान दे कि जब हमने हाफ एडर और फुल एडर किया तब उसमें कैरी और सम दोनों आए थे, यहाँ पे सिंगल आउटपुट ही आएगा। विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन एंड प्रोवाइड बेसिक मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर और इट इज नोन एज MUX ऑल्सो। इंजीनियरिंग की कक्षा में ये बहुत ही काम की चीज है मल्टीप्लेक्सर। हम लोग जब PPT स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। अभी इसकी डेफिनेशन देख लो, तो क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट हूँ, अंडरलाइन है ही। ओके, तेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो भाई मेरे पास मल्टीपल इनपुट होता है बट आउटपुट सिंगल ही होता है। ये कैसे हुआ, क्योंकि जब मल्टीपल इनपुट है तो आउटपुट मल्टीपल हो सकते हैं, पर ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन और मल्टीप्लेक्सर। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस दे, और मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस मतलब एंड गेट, दिमाग में याद रखो बेटा। तो इसमें एंड गेट आने वाले हैं, हाँ बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट है। कॉम्बिनेशन का मतलब है एक से ज्यादा, फिर वो एक्सक्लूसिव और हो, एक्सक्लूसिव नॉर हो, हाफ एडर हो या फुल एडर हो। सो एक बार डेफिनेशन ले लेते हैं। A combination circuit that has multiple input and provide only single output with the help of selection line and provide basic multiplication process is called multiplexer. Multiplexer बोला है जो आजकल बंद हो गए हैं सिनेमा हॉल, मल्टी सिनेमा हॉल्स या मल्टीपल उसको कहते हैं, वो बंद हो चुके हैं पेंडेमिक के कारण। ये मल्टीप्लेक्सर है MUX, उसका लॉजिकल डायग्राम ये रहा। MUX I0 से लेके IN ये इनपुट लाइन है, S0 से लेके SN ये सिलेक्शन लाइन है, और आउटपुट में Y ही आएगा और उसको लॉजिकल डायग्राम में MUX दिखाते हैं। ओके, टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या है, 2GEM1, 4GEM1, 8GEM1, 16GEM1, 32GEM1, this are main type of multiplexes. दो इनपुट लाइन एक आउटपुट, चार इनपुट एक आउटपुट, आठ इनपुट एक आउटपुट, 16 इनपुट एक आउटपुट, 32 इनपुट एक आउटपुट। ओके, तो अभी आपने तीन चीजें सीखी। एक डेफिनेशन, डेफिनेशन याद करने का तरीका, तो क्या कॉम्बिनेशन सर्किट, तेरी विशेषता क्या या तेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट हैज मल्टीपल इनपुट एंड प्रोवाइड ओनली सिंगल आउटपुट। बहुत सारे इनपुट के सामने एक ही आउटपुट आता है तो उसको कहते क्या, मतलब ये क्या किस तरह से होता है, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन। ओके, और जो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस प्रोवाइड करे वो मल्टीप्लेक्सर। पांच चीजें याद रखो, एक ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, हा है, दूसरा इसमें मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट है, कॉम्बिनेशन सर्किट दैट हैज मल्टीपल इनपुट एंड ओनली सिंगल आउटपुट, ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन। और सबसे मेन चीज जो थंब है वो ये है, That provide basically multiplication process is called multiplexer. एक दो तीन चार और पांच underline red color की है जिसको MUX कहा जाएगा। दूसरा logical diagram आपके सामने मैं highlight करना चाहूंगा, orange color में highlight हुआ है, ये है logical diagram। ओके, उसके टाइप्स मैंने बता दिए, दो इनपुट एक आउटपुट, यस, चार इनपुट एक आउटपुट, यस, आठ इनपुट एक आउटपुट, यस, 16 इनपुट एक आउटपुट, यस, 32 इनपुट एक आउटपुट, तो ये टाइप्स हो गए।
अब मल्टीप्लेक्सर को समझने के लिए अब जितने भी स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है क्लास में, बहुत अच्छी तरह से समझो। अब समझोगे ना तो अब पीपीटी में बहुत मजा लूटने वाले हो। सबका ध्यान यहाँ पे, कंसंट्रेशन यहाँ पे, फोकस यहाँ पे मेरे साथ मेरी बातों के अंदर। अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन 2008 में 10 प्लेटफॉर्म थे, फिर 12 प्लेटफॉर्म हुए, फिर 14 हुए, आज 14 प्लेटफॉर्म में सब ट्रेन आती है। और उसमें से कुछ एक ट्रेन ऐसी हैं जो नॉर्थ की तरफ ही जाती है, हरिद्वार एक्सप्रेस। दिल्ली का रास्ता लेंगे तभी तो हरिद्वार जाएगा, जम्मू तवी एक्सप्रेस दिल्ली का रास्ता लेंगे तभी तो ऊपर जाएगा, श्रीनगर एक्सप्रेस सेंट्रल राजधानी सुपर फास्ट जो दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाती है, लॉन्गेस्ट रूट अहमदाबाद से, ये नॉर्थ का। पर आपने कभी भी ये गौर किया, मल्टीप्लेक्सर ही पढ़ा रहा हूं भैया, कभी भी ये गौर किया ये 16 प्लेटफॉर्म में से जब ट्रेनें छूटेगी तो आधा किलोमीटर जाएंगे तो दिल्ली की तरफ एक ही ब्रॉडगेज पट्टा जा रहा है, 16 पट्टे जा नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ट्रेन जब चलेगी तब उसको वो पटरी मिलेगी जो कि दिल्ली की है। और ये हर एक रेलवे स्टेशन में आपने देखा, ये मल्टीप्लेक्सर है बस, छोटे गांव जैसे अभी अभी बात हुई कलोल से जो स्टूडेंट है, वहां पे 4 प्लेटफॉर्म ही है कलोल में, पर वो चारों में से मान लीजिए कि नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेन जब जाती है तो आधा किलोमीटर चलोगे ना, आधा किलोमीटर भी नहीं, 300-400 मीटर चलोगे तो अहमदाबाद से आगे एक ही लाइन है जो दिल्ली की तरफ ले जा रही है। तो एक भाई है, वो भाई ऐसा घोड़ा ले, लोखंड या लोहे का एक रोड होता है, जैसे ही कोई वो ट्रेन 7 नंबर की चलती है तो वो यूं खींचता है और वो 7 नंबर की ट्रेन को दिल्ली का रूट मिल जाता है। वो जो भाई ट्रेन छूटने से पहले यूं और यूं करता है वो सिलेक्शन लाइन है। बहुत सारे इनपुट में से कोई एक ही इनपुट को आगे भेजना, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे इनपुट में से कोई एक इनपुट को ही आगे भेजना, दिस इज मल्टीप्लेक्सर एंड दिस प्रोसेस डन बाय सिलेक्शन लाइन। अब हम लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पे 4x2 का मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम है 4x1 मल्टीप्लेक्सर, बट 4 इनपुट तो 2 सिलेक्शन लाइन होगी। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे होगा, हम लोग पीपीटी के अंदर जब लेंगे तब समझेंगे, पर अभी अभी हम लोग ये समझते हैं, ये जो रेड लाइन है ना जो एरो के साथ दिखाई, ये सिलेक्शन लाइन, वाई में I0, वाई में I1, ये वाई आउटपुट के अंदर I2 और वाई के अंदर I3 कब आएगा, यहाँ पे 4 इनपुट है, 2 सिलेक्शन लाइन, 2:2, चलो ना राज ही खोल देता हूं क्योंकि एंड गेट हो और गेट हो, एक्सक्लूसिव और हो, एक्सक्लूसिव नोर हो, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, फुल एडर, हाफ एडर, ये सब प्रक्रिया बाइनरी से होती है। बाइनरी का बेस 2, आपकी सिलेक्शन, आपके इनपुट कितने, 4, तो 2 की कितनी रेस करेंगे तो 4 इनपुट मैनेज होंगे, 2:2, इसलिए सिलेक्शन लाइन 2 ही आई। अब मान लीजिए कि आपके इनपुट 8 है तो 2:2 कितना होगा जिससे 8 बनेगा, 2 × 2 × 2 सिलेक्शन लाइन कितनी, 3 सिलेक्शन लाइन आएगी। हाँ यस, 8x8 जब 1 करेंगे तब 8 इनपुट होंगे और 3 सिलेक्शन लाइन होगी। एक बार शांति से और लेते हैं, 16 इनपुट लाइन है, स्टेशन बड़ा हो गया, मुंबई बन गया और मुंबई में तो 16 ट्रेन आती है, 16 ट्रेन को मैनेज करने के लिए कितनी सिलेक्शन लाइन चाहिए, 2:2 कितना करेंगे तो 16 आएगा,
2:1, 2:2, ये रहा 4 आपके सामने है, 2:3, 8, 2:4, 16, चार सिलेक्शन लाइन चाहिए यदि मैं 16 जंप वन करता हूँ। ओके, अब दिल्ली और बड़ा मेट्रो स्टेशन जिसके अंदर 32 प्लेटफॉर्म होती नहीं है बट 32 मान लो दे देते, सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, 2 का कितना करेंगे तो 32 मिनट हो जाएगा, 5, 2:1, 2:2, 2:3, 4, 8, 2:4, 16, 2:5, 32, 5 सिलेक्शन लाइन। ओके, अब जब S0 और S1 0 तब I0 बाहर आएगा, जब S0 S1 यहाँ सिलेक्शन लाइन का ट्रूथ टेबल बनता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से फोकस की तरह से ध्यान दें, ट्रूथ टेबल ऑन सिलेक्शन लाइन, क्योंकि ये सिलेक्शन लाइन ही है जो ट्रेन को आवागमन में कंट्रोल कर रही है। तो मल्टीप्लेक्स है डेफिनेशन, तो कौन, कॉम्बिनेशन सर्किट, तेरी खासियत क्या, बहुत सारे इनपुट बट आउटपुट एक, ये कैसे किया, सिलेक्शन लाइन की मदद से। ओके, तेरी बेसिक प्रोसेस कौन सी है, जो टाइटल है वही मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लिकेशन, तो तू कौन, मल्टीप्लेक्सर या इन्वर्टर, इन्वर्टर या MUX कहा जाएगा। ओके, तुझे सिंबल में कैसे दिखाया जाता है, MUX, बहुत सारे इनपुट एक ही आउटपुट Y और बहुत सारी सिलेक्शन लाइन S0 से SN। ओके, अब अंदर की बात मैंने बताई, जो रेड कलर की ये सिलेक्शन लाइन है जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ये सिलेक्शन लाइन कोई एक को ही सिलेक्ट कैसे करेगी, सॉरी, एक बहुत सारे इनपुट में से कोई एक ही इनपुट को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन लाइन का ट्रूथ टेबल है, कितनी सिलेक्शन लाइन, 2, क्यों, 4 इनपुट तो 2 सिलेक्शन लाइन, क्यों, क्योंकि 2:2 मतलब बाइनरी का बेस, यदि 2 इनपुट होते तो एक ही सिलेक्शन लाइन, 4 इनपुट है तो 2 सिलेक्शन लाइन, 8 इनपुट आएंगे तो 3 सिलेक्शन लाइन आएगी। तो सिलेक्शन लाइन का ट्रूथ टेबल आपके सामने मैंने रजू किया है, S0, S1, 0:0, 0:1, 1:0, 1:1 प्रोबेबिलिटी, जब S0 और S1 हो तब I0 बाहर आएगा, S0, 0, S1, 1 तब I1 बाहर आएगा, S0, 1, S1, 0 तब I2 बाहर आ रहा है, और जब S0 भी 1, S1 भी 1 तब I3 बाहर आ रहा है। तो सिलेक्शन लाइन ने चारों इनपुट को इस तरह से मैनेज किया, एक टाइम पे एक ही आउटपुट बाहर आ रहा है, भले 4 इनपुट है, बाहर कौन सी चीज आएगी ये फाइनल करने के लिए सिलेक्शन लाइन। सो बेटा, ये बहुत अच्छी तरह से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मल्टीप्लेक्सर का। अब मल्टीप्लेक्सर का थ्योरी लेते हैं, और डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई है वही ले लो, क्योंकि अब जो PPT आ रही है उसमें से somewhat reference I am taking from internet, few people are most comfortable with this definition only. 5 सवाल, 1, तू कौन, कॉम्बिनेशन सर्किट, तेरी खासियत क्या, बहुत सारे इनपुट बट आउटपुट एक, अरे वाह यार तू तो जादूगर है, बहुत सारे इनपुट को एक ही आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करता है, सिलेक्शन लाइन की मदद से। ओके, तो तेरी बेसिक प्रक्रिया कौन सी, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है, उसको मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है, उसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, उसको MUX के नाम से भी जाना जाता है, जिसको डेटा सिलेक्टर भी कहा जाता है। लॉजिकल सिंबल, रेक्टेंगल में MUX लिख दो, I0 से IN दे दो, S0 से SN दे दो, एक वायर दे दो। सिलेक्शन लाइन किस तरह से काम करती है उसका एक मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाया, और वो माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके सामने है, 4 इनपुट 2 सिलेक्शन लाइन, 4:2 मल्टीप्लेक्सर, और उसका ट्रूथ टेबल सिलेक्शन लाइन से होगा। सो लेट मी स्टार्ट समवर थियोरी अबाउट मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, BCA 105 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फैकल्टी डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा एंड प्रोफेसर योगेंद्र पटेल। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखी है बट विधिवत डेफिनेशन तो हमने ले लिया। सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द एन इनपुट इज डन बाय सिलेक्टेड इनपुट दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन लाइन, इट हैज वन आउटपुट सिलेक्टेड एट अ टाइम, इट इज नोन एज डेटा सिलेक्टर ऑल्सो, ये मैंने बोल्ड किया है,
उसमें मैंने शेडो देने की कोशिश की है बट वो थोड़ा फॉन्ट हिल गया है. डेटा सिलेक्टर लाइन, सो इट इज नोन एज डेटा सिलेक्टर, इट इज नोन एज MUX, इट इज नोन एज इन्वर्टर, इट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर. और मल्टीप्लेक्सर हैज थ्री थिंग्स, हमने पेंट प्रोग्राम में लिया ही था, एन इनपुट लाइन, मल्टीपल आउटपुट लाइन, ऑलवेज सिंगल, क्योंकि डेफिनेशन भी हमने बोला है बहुत सारे इनपुट को एक आउटपुट में तब्दील कर. और अब आपके सामने राज खोलना चाहूंगा. M selected input 2 raised to M equal to N. अब मान लो N जो input line है वो 4 है, तो 2 का कितना करेंगे तो वो 4 आएगा, 2 raised to 2 करेंगे, इसीलिए 4/2. अब मान लीजिए input line 8 है, तो 2 raised to कितना करेंगे तो 8 generate होगा, 2 multiply 2 4, 4 multiply 2 8, कितना आएगा 3, कितने आए 3, तो 2 raise to 3, तो M की वैल्यू 3 होगी, तो M सिलेक्शन लाइन. ये जो इक्वेशन आपके सामने है 2 raise to M equal to N, उसको अच्छी तरह से देख लो, N इनपुट लाइन है, M सिलेक्शन इनपुट प्रोबेबिलिटी है, सिलेक्शन लाइन की प्रोबेबिलिटी है. यदि आपके N में 2 है और यदि आपकी इनपुट लाइन है जो इनपुट लाइन N 4 हुई, तो 2 raise to 2 बैलेंस થઈ ગયું ને, LHS equal to RHS, 2 raise to 2 એટલે આ બાજુ 4 અને N માં પણ 4, N ઇનપુટ લાઈન હે ઉસમે 16 હે, તો આપ M મેં 4 ડાલોગે તો હી 16 હોગા, 2 raise to 2 ગુણ્યા 2 4, 4 ગુણ્યા 2 8, 8 ગુણ્યા 2 16, N માં તો 16 હતા જ, M માં 4 મૂક્યા, M મેં 4 ડાલા તો 16 હો ગયા, LHS equal to RHS. બ્લોક ડાયાગ્રામ ભૈયા, યે હમને ઓલરેડી બતા દિયા હે, बहुत सारे इनपुट है, वहां पे मैंने आई 0 से लेके IN लिया था, यहाँ पे डी लिया है, इनेबल इनपुट है वो बाद में लेंगे. नीचे सिलेक्शन लाइन है जिसको S से रजू किया है, यहाँ डी लिखा है वहां आई ले सकते हैं, ये थोड़ा इमेज रेडीमेड लिया गया इंडियन इंटरनेट रेफरेंस से. वाई आउटपुट होता है और उसको N जेम 1 मल्टीप्लेक्सर कहा जाएगा, 2 जेम 1, 4 जेम 1, 8 जेम 1, 16 जेम 1, 32 जेम 1. यस भैया, 2 gem 1 multiplexer, 1 selection line, 4 gem 1, 2 selection line, 8 gem 1, 3 selection line, और 16 gem 1, 4 selection line. 32 आता ही नहीं है syllabus में, engineering में भी नहीं आता, आप लोगों को भी नहीं आता, तो हम लोग highest 16/4 का multiplexer लेंगे, 8/3 का मल्टीप्लेक्सर लेंगे, और डिटेल में स्टडी हमारे सिलेबस में 4/2 है, जो मैंने ऑलरेडी ट्रुथ टेबल के साथ आपको पेंट प्रोग्राम में जब हम लोग ले रहे थे तब बता दिया. इन मल्टीप्लेक्सर इफ वी वांट टू जनरेट द इक्वेशन, बिकॉज इफ वी जनरेट द इक्वेशन वी कैन इजीली जनरेट द सर्किट डायग्राम ऑल्सो. सो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल, लुक, I0 इनपुट है, ये I0, S0 dash, S1 dash, क्यों? क्योंकि S0 में 0 पड़ा है और S1 में 0 पड़ा है, यदि ये दोनों 0 1 हो जाए तो ही 1 multiply 1 multiply 1 और I0 बाहर आएगा, इसीलिए देखो I0 के आगे कभी dash नहीं होगा, I1 के आगे dash नहीं होगा, dash का मतलब है not get, inverter, reverse, inverse. तो S0 0 है तो उसका 0 का 1 करने के लिए S0 का डैश ये रहा, S1 का डैश ये रहा, तभी ये 0 1 में कन्वर्ट होंगे और ट्रिपल 1 इकट्ठे होंगे और 1 बाहर आएगा, I0 बाहर आए. अब देखिए S0 का डैश हुआ क्योंकि S0 0, S1 1 और I1 तो 1 पड़ा ही था, तो S0 जो 0 हुआ है उसका 1 करने के लिए I1 S0 डैश, डैश का मतलब है आगे एक सर्कल कर दो, बस बात खत्म, और इसके हिसाब से आपका I1 बाहर आएगा. अब I2 बाहर आने के लिए क्या होगा मालूम है, I2 S0 as it is और S1 का डैश, देखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में I2 S0 S1 है, यदि I3 बाहर लाना है तो I S0 खुद 1, S1 खुद 1 और I3 तो है, तो इसलिए देखो जब मैंने यहां अंडरलाइन में करके बता रहा हूं
यहाँ कहीं डैश का यूज नहीं किया. सो बेटा इफ वी वॉन्ट टू जनरेट द इक्वेशन, अब मैं आपको गेट और सर्किट सब कुछ बना के समझाता हूँ. वाई आउटपुट इक्वल टू आई जीरो एस जीरो का डैश एस वन का डैश प्लस आई वन के लिए एस जीरो का डैश एस वन. एस वन इक्वेशन के ऊपर से सर्किट बनाते फास्ट. पहला एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, चौथा एंड गेट. आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री. आई जीरो है, आई वन है, आई टू, आई थ्री. सिलेक्शन लाइन एस जीरो, सिलेक्शन लाइन एस वन. अब ध्यान देना क्योंकि बहुत मेहनत करके सर्किट बनाया जा रहा है. आई जीरो एस जीरो और एस वन सबसे पहले जीरो होगा, हाँ होगा. यहां डालने से, यहां पे इनपुट लेने से पहले यदि मैं यहां सर्कल बना लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत, मतलब कि जब वो एस जीरो जीरो होगा तो वो वन होके अंदर जाएगा. सेम यहां मैं सर्कल बनाऊं तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं. और सर्कल का मतलब है नॉट गेट. नॉट गेट का मतलब है एस जीरो का डैश एस वन का डैश. ओके, आई वन को पास करने के लिए अब मुझे क्या करना है, एस जीरो जो है उसका इनवर्स ही मुझे लेना है. और उसका इनवर्स लेना है तो यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा सर्किट ड्रॉ के लिए. और उसका नेगेटिव करने के लिए आप जानते हैं क्योंकि ये ट्रूथ टेबल वाइज जीरो था तो उसका मैंने वन कर दिया. अब एस वन तो वन है ही, सिलेक्शन लाइन के ऊपर से आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए बेटा. अब उल्टी गंगा बहने वाली है, यह सिलेक्शन लाइन जो है वो डायरेक्टली एज इट इज अंदर जाएगी. यस, और यहां पे सर्कल आएगा. नेगेटिव गेट करना जरूरी है एज पर ट्रूथ टेबल. ये नॉट गेट है इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं. और अब तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एस जीरो एज इट इज, क्योंकि वन वन हो गया भैया. एस वन एज इट इज, जीरो जीरो, वन वन, जीरो वन में एक का जीरो का वन, एक वन एज इट इज, वन जीरो में वन एज इट इज जीरो का डैश. और वन वन में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भैया.
हो गया ऑलमोस्ट। और जब ये इक्वेशन के बीच में एंड गेट है, देखो ये वाई के अंदर कोई एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट बार आने वाला है, तो और गेट है जीरो जीरो का नॉट गेट बना के एंड में देना है, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर भी कहते हैं। और जब इक्वेशन बाहर आएगा तो 4/2 मल्टीप्लेक्सर्स आपके सामने पूरा हुआ है, एक टाइम पे एक ही बाहर आएगा और वो भी सिलेक्शन लाइन की प्रोबेबिलिटी। जब सिलेक्शन लाइन बंद है तब आई जीरो, दोनों बंद है तब। अब एस जीरो बंद है और एस वन चालू है तो आई वन बाहर आएगा, एस जीरो चालू है और एस वन बंद है तो आई टू बाहर आएगा। आई टू मतलब इनपुट, मैंने पीपीटी में डी लिया हुआ है, यहाँ पे आई है पर आई ज्यादा अच्छा। और जब दोनों लाइन ऑन होगी, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो गया, दोनों के अंदर एक्टिवेशन होगा, तब आई थ्री बाहर आएगा। इक्वेशन के हिसाब से, ट्रूथ टेबल के हिसाब से इक्वेशन सेट करो और इक्वेशन के ऊपर से आप समझ सकते हो। अब नॉट गेट बनाने के लिए मुझे वो ट्रायंगल और सर्कल देने की जरूरत नहीं है, यदि मैं सर्कल लगा देता हूं तो कोई भी एग्जामिनर समझ जाता है कि ये नॉट गेट में नॉट होके ही अंदर आया। अब ये ट्रूथ टेबल के हिसाब से इक्वेशन आपको बहुत सही लगेगा। मल्टीप्लीकेशन छे एटले ज्यां जीरो छे त्यां नॉट गेट नी जरूर पड़े, इक्वेशन पहलू आई जीरो एस जीरो डैश एस वन डैश जीरो जीरो प्लस आई वन एस जीरो का डैश एस वन एज इट इज, क्योंकि एस वन में वन पड़ गया है, एस जीरो का नेगेटिव करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला एस जीरो डैश। मैंने पहले भी बोला है नॉट गेट बहुत खतरनाक, चार्जर के अंदर यूज हो, आपके वॉशिंग मशीन में यूज हो, ओवन में यूज हो, नॉट गेट तो नॉट गेट अभी है, नॉट गेट ही सब बना रहा है। I2 as it is, S0 as it is, S1 का डैश, क्योंकि जीरो का वन नहीं करेंगे तब तक वन मल्टीप्लाई वन बार नहीं आएगा, और वो बार नहीं आएगा तो I3 बार नहीं जाएगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब I3 को बार लाने के लिए कुछ नहीं करना है, I3 S0 S1 as it is, 8/1 मल्टीप्लेक्सर, जीरो 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 डी जीरो बाहर आएगा। इसका इक्वेशन मैं बोलूं, वाई इक्वल टू डी जीरो एस टू का डैश एस वन का डैश एस जीरो का डैश प्लस डी वन इक्वल टू सॉरी प्लस डी वन एस टू का डैश एस वन का डैश एस जीरो एज इट इज प्लस डी टू एस टू का डैश एस वन एज इट इज एस जीरो का डैश एज इट, क्योंकि जहां जीरो है वहां वन करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर से इक्वेशन आप नहीं बना पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता यदि आपने मेरी कॉन्सेप्ट को समझा है। डी थ्री को पास करना है तो डी थ्री एस टू का डैश एस वन एज इट इज एस जीरो एज इट इज, क्योंकि जीरो वन वन है। डी फोर प्लस करके डी फोर, जहां डी फोर है वहां मैं आई ले रहा हूं, डी फोर एस टू एज इट इज एस वन का डैश एस जीरो का डैश। ट्रूथ टेबल के ऊपर से इक्वेशन और इक्वेशन के ऊपर से सर्किट कैसी रही। D5 एंड गेट के अंदर S2 as it is, S1 का डैश S0 as it is, D6 प्लस करके D6 S2 as it is, S1 as it is, S0 का डैश, क्योंकि ये जीरो है। और लास्ट D7 को बाहर लाने के लिए प्लस करके D7 S2 S1 S0 as it is, क्योंकि ये सब 1 1 1 1 1 1 1। एकदम मस्त सुंदर सी सर्किट है आपके सामने। यहाँ पे I रखा गया है, A B C I7, यहाँ पे एबीसी सिलेक्शन लाइन है, सिलेक्शन लाइन को आप एबीसी इतना याद रखो, कोई जीरो नहीं जाना चाहिए क्योंकि एंड गेट में जीरो गया।
D4 को एक्टिव करने के लिए इक्वेशन, D4 को, D4 S2 S1 का डैश S0 का डैश, क्योंकि S1 में जीरो है, D4 में देखो जहां मेरा कर्सर घूम रहा बेटा, D4 में S1 में जीरो है, उसका डैश करना तो S1 को डैश करो, इस जीरो को वन करना है, S0 को डैश करो, ये उसकी सर्किट है। यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यूज इन डेटा कम्युनिकेशन फॉर सेवरल कंप्यूटर कम्युनिकेटिव ओवर वन लाइन, यूज इन रेडियो, यस दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीपल सोर्सेस, मोबाइल से, लैपटॉप से, डिजिटल सैटेलाइट से, इससे, ये मल्टीप्लेक्स ऑप्शन लाइन, 00 होगा तो MP3 प्लेयर के द्वारा स्पीकर में सॉन्ग बजेगा, बहुत मेहनत करके बनाया है बेटा आपके लिए। यदि जब 01 होगा तब लैपटॉप के द्वारा स्पीकर में से आवाज आएगी, और जब 10 होगा तो आपकी जो डिस्क चैनल है उसमें से बाहर आएगी आवाज, और जब डिजिटल केबल टीवी, जब आपका जो ये ऊपर का ये डिजिटल सैटेलाइट है, डिजिटल केबल टीवी है, उसकी जगह पे मान लो कि यहाँ डिजिटल केबल टीवी की जगह पे माइक ले लो, जब 11 होगा तो केबल टीवी है उसकी जगह पे माइक साहब बोलोगे, वो बाहर आएगा। एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट जिसके द्वारा ये हो रहा है।